जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली स्वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब देखेंगे आज नाइन्थ क्लास मैथ, जिसमें प्रमेय देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 6.7। तो आइए देखते हैं उसकी प्रूविंग। देखिए कह रहा है हमसे कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये हमें प्रूव करना है, चलिए करते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर मान लीजिए त्रिभुज है। P को कोण 1, Q को 2 और R को 3 मान लेते हैं। चलिए लिख देते हैं सॉल्यूशन में, दिया है त्रिभुज PQR, ठीक है, इतना हम कर लिए, ठीक है, दिया है, हम लिख दिए। अब देखिए इसको आगे हम क्या लिखेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। देखिए क्या रचना करते हैं, इंग्लिश वाले लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। पी क्यू आर के समानांतर एक लाइन खींच देते हैं, जो कि बिंदु P से होकर जाती है, ए बी नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। तो लिखते हैं पी क्यू के समानांतर ए बी एक रेखा खींचा, जो बिंदु किससे होकर जा रही है, पी से होकर जा रही है, पी से होकर जाती है, ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है हमारा, इसको कौन 4 मान लीजिए और इसको 5 मान लीजिए। ए पी क्यू ए पी बी एक रेखा है, चूंकि ए पी बी एक रेखा है, अगर ये एक रेखा है तो इसके ऊपर और इसके नीचे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ऊपर भी एक 180 और नीचे भी 180। कहाँ पे, ऋजु कोण की प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है, यानी ये पूरा तीनों कोण मिलाया कितना होगा, 180। तो चलिए लिख लेते हैं, या अगर रेखा है तो कोण 4 प्लस कोण 1 कोण 5 तीनों जोड़ कितना होगा, 180। 4 5 1 तीनों जोड़ के कितना होगा, 180। इसको मान लेते हैं, इसलिए कर दीजिए, चूंकि एक रेखा है तो इसलिए ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लीजिए, जो कि हम सिंपल स्टेप में बता रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब आगे क्या कहा जा रहा है आपसे, कोण 4 कोण 2 के बराबर, चूंकि कोण 4 इक्वल टू कोण 2 और कोण 5 इक्वल टू कोण 3। कैसे, देखिए 4 और देखिए मानते ए बी और क्यू आर समांतर रेखा है, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये कोण क्या होगी, कोण 4 और कोण 2 क्या होगी, एकांतर होगी। अगर क्योंकि देखिए ए बी और क्यू आर समांतर है और यहाँ पी क्यू क्या है, त्रियक है, तो ये कोण एकांतर कोण। देखिए ए बी और क्यू आर समांतर है तो पी आर यहाँ क्या है, त्रियक रेखा है, अगर पी आर आपका त्रियक रेखा है तो कोण 4 और कोण 3 एकांतर कोण होगा। तो यहाँ सिंपल लिख लीजिए एकांतर कोण। अब लिखते हैं, चूंकि कोण 4 तथा कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा इंग्लिश वाले एकांतर कोण को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल लिख लेंगे, अल्टरनेट एंगल। इसको क्या लिखेंगे, चूंकि द वैल्यू ऑफ कोण 4 एंड 5 पुटिंग इक्वेशन 1, सो सिंपल राइट हियर इक्वेशन 1, चूंकि है हो गया है, तो या कोण 4 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 2, कोण 5 की जगह कोण 3, 180 डिग्री दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब देखिए इसलिए कौन 4 की जगह कौन 2, कौन 4 की जगह कौन 2 और कौन 5 की जगह कौन 3, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सजा के लिख लेते हैं, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3, बहुत ईजी है, 180 डिग्री। अब यही हमें प्रूफ करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चाहिए तो यहाँ लिख भी सकते हैं, सीधे करना है प्रूफ डेट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू
80 डिग्री, खूब बढ़िया। इसको घेर के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी घेर दीजिए, क्या यही प्रूफ करना था हमें, लिख दीजिए प्रूफ। एक बार फिर से समझा दो, देखिए हमने क्या किया, बोल रहा है कि परमेय शीर्षपन सेवन कह रहा है किसी त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। PQR एक त्रिभुज मान लीजिए, ये गिवन नहीं है, त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हमने लिख लिया, दिया है PQR। अब इसमें P को एक, Q को दो और R को तीन मान लिए। अब एक हमें ये कंस्ट्रक्शन किया हमने QR के समानांतर, रेखा QR के समानांतर एक रेखा AB खींचा जो बिंदु P से होकर जा रही है, ठीक है, जो बिंदु आपका P से होकर जा रही है। आगे बढ़ते हैं, तो एक रेखा के नीचे या ऊपर 180 का कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है, हिंदी के मामले तो रिजू कोण की प्रॉपर्टी कहती है, हमने वही अप्लाई कर दिया, तो कोण चार, कोण एक, कोण पांच 180 इक्वेशन वन मान लिया। अब कोण चार इक्वल टू कोण दो, क्योंकि ए बी समानांतर क्यू आर और पी क्यू क्या है, एक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कोण चार कोण दो के बराबर, और यहाँ भी वही केस है, ए बी समानांतर क्यू आर तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पी आर त्रियक रेखा, तो कोण पांच कोण तीन के बराबर, कोण पांच कोण तीन के बराबर, ये कोण ये बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कहां से है, एकांतर कोण से, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। चलिए अब हम कोण चार और कोण पांच का मान इस वन इक्वेशन में रख देंगे, तो वही लिख रहा हूं, कोण चार एंड तथा पांच का मान समीकरण एक में रखने पर, रख दिया कौन चार की जगह कितना रख दिया, कौन दो, क्योंकि यहाँ दिया है, कौन पांच की जगह कौन तीन, एक को जी नोट कर दिया, इसको सजा के लिख दिया, एक दो तीन, तीनों कोणों का योग 180, यही हमारा यहाँ सिद्ध करना था। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट पर में देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पर में 6.8 देखते हैं, थ्योरम 6.8 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बनाए बना बहिष्ठ कोण दोनों अंत अभिमुख कोण यानी विपरीत कोणों के, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। देखिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, यह मान पी क्यू आर एक त्रिभुज है, किसी एक रेखा को बोल रहा है बढ़ाई जाए, एक भुजा को मान लीजिए हमने इसी को बढ़ा दिया, किसी को भी बढ़ा सकते हैं, इस तक बढ़ाया, ठीक है, इसको कोण एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, इसको तीन मान लेते हैं और इसको चार, तो आपका बहिष्ठ कोण क्या है, कोण चार। चलिए यहाँ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, दिया है हमें वही त्रिभुज बना लीजिए, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए यानी रचना, ये दिया ही है कि एक भुजा को बढ़ाई जाए, चलिए तो यहाँ रचना है कोई बात नहीं है, तो बहिष्ठ कोण आपका क्या होगा, क्यू आर को आर तक बढ़ाया, ये गिवन में ही है, ठीक है, जिससे आपका बहिष्ठ कोण क्या बन रहा है, कोण चार बोले तो नाम लिख लेते हैं, पी आर एस इक्वल टू कोण चार, पी आर एस कौन कितना है, चार है, तो आपको क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कौन चार इक्वल टू कौन एक प्लस कौन दो, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख दीजिएगा सिद्ध करना है, प्रूफ डेट, ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो गिवन है उसको हमने प्रॉपर ढंग से लिखा, और कौन चार इक्वल टू ये प्रूफ करना है, कौन चार इक्वल टू कौन एक प्लस कौन दो, कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो बहिष्ठ कोण हमारा बनता है, देखिए एक त्रिभुज की हम अच्छे से समझाते हैं, यहाँ दिख रहा है, अभी चलिए मिटा देंगे इसको समझा के, एक त्रिभुज है दिख रहा है सबको, ठीक है, इस भुजा को बनाइएगा तो ये क्या होगा, बहिष्ठ कोण होगा, और ये बहिष्ठ कोण होगा ना, तो इस कोण को छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मान लीजिए ये एक दो तीन चार है, तो कोण चार इक्वल टू क्या होगा आपका, कोण एक प्लस कोण दो, ये प्रूफ करना है, ये होता भी है, परमेय 6.7 कह रहा है, अभी तो हम खैर इसको प्रूफ करने के जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये परमेय कहता है, याद रखिएगा। अच्छा मान लीजिए हम इसको बढ़ा दें, इसको मिटा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो ये कोण चार होगा, तो अब ये कोण चार किसके बराबर होगा, इसको भी देख लीजिए, ये वाला कोण चार इसको छोड़ के, क्योंकि इसके अपोजिट कह रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसको छोड़ के ये दो और तीन के बराबर होगा, दो और तीन के बराबर होगा,
ये जो बहिष्य कोण बाहर का कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो बहिष्य कोण हमारा बन रहा है, बाहर का कोण बन रहा है, ये हमारा इसके छोड़ के कोण चार है ना, इसको छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी दो और तीन के योग के बराबर होगा। अब देखिए, अगर चलिए इस केस को अब हटाते हैं, अब ये वाला रेखा मान लीजिए इधर इस रेखा को बढ़ा दिया हमने, इस रेखा को बढ़ा दिया, तो ये कोण चार होगा, तो ये कोण चार होगा, तो इस वाला कोण को छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कोण चार यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको छोड़ देंगे साथ वाले को, विपरीत वाले को ले लेंगे, एक प्लस कोण तीन, ठीक है, इसको हम ले लेंगे, कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, ये है एक्सटीरियर एंगल जो होता है विपरीत यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन वन बनाते हैं, लिखते हैं चूंकि रेखा QRS एक रेखा के ऊपर कितना बनेगा, ये कुल कोण 180 का बनेगा, ठीक है, तो लिख लेते हैं QRS पे कोण तीन इक्वल कोण तीन प्लस कोण चार दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, ये भी कह सकते हैं क्या बना रहा है, ये रैखिक क्यूब में बना रहा है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर एक रेखा जब खड़ी रहती है तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो दोनों कोण आपस में एक रैखिक क्यूब बनाते हैं, और रैखिक क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रैखिक क्यूब में कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चुपचाप यहाँ लिख देंगे रैखिक क्यूब में, ठीक है, रैखिक युग में। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन। अब हमें यह भी पता है, बचपन से जानते आ रहे हैं, अब तो हम वही बोलेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। चलिए इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक तथा दो से, चूंकि समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक दो से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो आइए कर देते हैं, कोण तीन प्लस कोण चार इक्वल टू कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, इसका क्या है, तीन प्लस चार लिख दिया, बराबर है एक दो तीन, एक दो तीन, तीनों के योग का। अब देखिए, कोण तीन से कोण तीन कैंसिल आउट, क्योंकि सेम साइन है, प्लस और सेम है, कोण तीन कोण तीन, इसको अगर बराबर के इधर लाइएगा तो कोण तीन में से कोण तीन घटेगा, वैसे भी लड्डू मिलेगा, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या हो गया, कोण चार इक्वल टू कोण एक प्लस कोण दो बचा, दिख रहा है अभी, चलिए लिख सकते हैं कोण चार इक्वल टू कोण एक प्लस कोण दो, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए, घेर देता हूँ, यही हमें प्रूफ करना था, कोण चार इक्वल टू एक प्लस दो, लिख दीजिए धीरे से, प्रूफ बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया, ये कहता है हमारा प्रमेय 6.8, थ्योरम 6.8। चलिए नोट कर लीजिए, हट जाता हूँ। तो ये दो प्रमेय हम लोगों ने इसमें पढ़ा, ये कहाँ का है, एक्सरसाइज 6.3 के जस्ट पहले वाला, ये दो प्रमेय था इसका हमने डिस्कशन किया। तो और भी प्रमेय जैसे जैसे हैं हम डिस्कशन करते जाएंगे इस पार्ट में, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जो भी फ्रेंड आपका अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उससे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, वो भी तुरंत आने वाला है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।